सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड फोर्थ क्लास के रिजल्ट को लेकर आपको पता है कि JKSSB की तरफ से ट्वीट आया था, जिसमें ये कहा गया था कि आने वाले हफ्ते में, यानी जो हफ्ता अब स्टार्ट हो चुका है, आज मंडे है, इस हफ्ते में जो है आपको आपकी प्रोविजनल लिस्ट जो है वो भी मिल जाएगी और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जो है वो भी आपको इस हफ्ते में देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल काउंटडाउन जो है वो बिल्कुल शुरू हो चुका है। आज मंडे है तो आज से लेकर सैटरडे के बीच में कभी भी जो है आपको फोर्थ क्लास की प्रोविजनल लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जो है वो आपके सामने देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हफ्ते में कौन सा दिन है जिस दिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं लिस्ट के आने के, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो लिस्ट आएगी आपकी प्रोविजनल लिस्ट रहे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट रहे, वो किस तरह की लिस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और फाइनल में हम कट ऑफ भी बात करेंगे, कितना कट ऑफ जो है वो जाने वाला है, कितना कट ऑफ जो है वो ठीक रहेगा, सेफ स्कोर जो है वो रहने वाला है। और डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी तो उस लिस्ट में सब डॉक्यूमेंट्स आपको बताए जाएंगे। फिर भी क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपको डिटेल में जो क्या क्या चाहिए वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जब लिस्ट आएगी तो उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो देखते हैं कि हम कब जो है ये इस रिज़ल्ट के आने की आप उम्मीद लगा सकते हैं इस हफ्ते में। देखिए, जो इनिशियल डेज़ रहते हैं वीक के, चाहे वो मंडे रहे या उसके बाद ट्यूसडे रहे, इनिशियल डेज़ में किसी भी लिस्ट की जो है आने की गुंजाइश बहुत कम रहती है, क्योंकि उस लिस्ट पर जो फाइनल टच होता है वो हफ्ते, अगर इस हफ्ते में आने को कहा गया है तो इस हफ्ते के जो पहले दो दिन रहेंगे उस हफ्ते उन दो दिनों में फाइनल टच जो है देने की कोशिश की जाती है लिस्ट में। फिर से जो है एक रिव्यू देखा जाता है कि कोई गड़बड़ वगैरह तो नहीं रहेगी या कहीं जगह किसी जगह कोई कमी पेशी ना रहेगी हो। तो पहले मंडे और ट्यूसडे को आने के चांसेस बिल्कुल बिल्कुल लो रहते हैं, और आखिरी के जो दिन रहते हैं फ्राइडे और सैटरडे, ये भी काफ़ी लो दिन रहते हैं, इन दिनों में भी आने की उम्मीद जो है वो नहीं रहती। हालांकि अगर अनएक्सपेक्टेड हो तो सैटरडे को भी आता है रिजल्ट, लेकिन अगर आपको स्पेशली वीक मेंशन किया गया है तो पहले दो दिन और आखिरी दो दिन बिल्कुल कम चांसेस रहते हैं, और बीच के जो दिन रहते हैं दैट इज़ वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये दो दिन जो हैं ये काफ़ी ज़रूरी रहते हैं। एंड अगर आप मुझसे कहेंगे कि लिस्ट कब आने वाली है, तो मेरे हिसाब से आपको वेडनेसडे का दिन जो है वो सबसे अच्छा है, एंड वेडनेसडे के दिन आपको आपकी लिस्ट जो है वो देखने को ज़रूर ज़रूर मिलेगी। ठीक है, वेडनेसडे को आपको आपकी प्रोविजनल लिस्ट जो है वो देखने को मिल सकती है, वेडनेसडे या ज़्यादा से ज़्यादा थर्सडे को आपको ये लिस्ट जो है वो मिल जाएगी, अगर JKSSB जो है सच में अपनी जो किए गए वादे हैं उसके ऊपर कमिटेड है, तो आपको वेडनेसडे को लिस्ट मिल जाएगी या मोस्ट आपको थर्सडे को आपकी लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद लिस्ट कैसी रहने वाली है। देखिए, जो भी नए बंदे हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देने आए थे, उनको मैं ये एक तरीका ज़रूर बताना चाहूँगा। देखिए, जो प्रोविजनल लिस्ट आती है आपकी, प्रोविजनल लिस्ट जो है वो आपकी 1:5 की रेशो में रहती है। ठीक है, 1:5 की रेशो, वो भी हर कैटेगरी की। देखिए, मान लीजिए ओपन की जो है वो 100 सीटें हैं, ओपन की 100 सीटें हैं तो 5 करके, यानी 100 5 करोगे तो आपके पास ओपन की 500 लोगों की लिस्ट आएगी, अगर 100 सीटें हैं ओपन की। इसी तरह कोई भी कैटेगरी, मान लीजिए RBA है, RBA की 50 सीटें हैं तो 50 × 5 करके 250 लोग जो हैं RBA के आएंगे। एंड इसी तरह दूसरी जो कैटेगरीज हैं उनकी भी लिस्ट जो है, प्रोविजनल लिस्ट जो रहती है वो 1:5 की रेशो में आती है। लेकिन प्रोविजनल लिस्ट जो होती है उसमें सबको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाता। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लिस्ट आती है उसकी रेशो रहती है 1:1.5। ठीक है, 1:1.5, मान लीजिए कि ओपन की अगर 100 सीटें हैं बताई गई तो लिस्ट इसकी आएगी 1:1.5 करके। ठीक है, यानी अगर 100 बंदों की लिस्ट है ओपन की, ओपन में 100 सीटें हैं तो टोटल जो लोगों की लिस्ट आनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो 150 लोगों की आनी है। और इस तरह अगर 50 बंदे हैं RBA के, मान लीजिए RBA के अगर 50 लोग हैं तो 1.5 करोगे तो आपको पता चलेगा कि RBA के 50 पोस्टों के लिए 75 बंदों को लगभग कॉल आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इस तरह से हर एक रिस्पेक्टिव कैटेगरी की जितनी सीटें हैं
उसके प्रोविजनल लिस्ट अगर आएगी तो इंटू फाइव करके आएगी, और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी तो 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपको, तो आपको वो रेशो मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रोविजनल लिस्ट अलग रहेगी, डीवी के लिए लिस्ट जो रहेगी वो अलग रहेगी। ठीक है, उसके बाद लिस्ट कैसी रहेगी। देखिए लिस्ट जो है वो दो तरह से आ सकती है, लिस्ट किस तरीके की हो सकती है। रेशो तो हमने जो है डिस्कस कर ली, अब लिस्ट जो है दो तरीके से आ सकती है। पहली है कि जैसी आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिली थी, जो रिज़ल्ट आया था जब जब आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिली थी, उसके हिसाब से ही ओपन की अलग कर लिए जाएंगे लोग, जितनी भी सीटें हैं उसके हिसाब से। तो उसके बाद जो ओपन की जब हो जाएंगे सारे, उसके बाद जो है रिज़र्व कैटेगरी वालों को अपनी अपनी कैटेगरी में डालकर जिस हिसाब से मेरिट लिस्ट में लोग फॉल कर रहे थे उसी हिसाब से लिस्ट आएगी, जिसमें क्या होगा कि एक कैंडिडेट को हमने देखा था कि अलग अलग लिस्टों में नाम उसका था। तो ऐसे लिस्ट आ सकती है जहां पर एक कैंडिडेट को अलग अलग लिस्टों में भी देखा जा सकता है। ठीक है, काफ़ी बार आई भी है JKSS में पहले, जैसे आप GMC के जब एग्ज़ाम हुए थे तो वहाँ पर जो है लिस्ट आई थी वो ऐसे ही आई थी, जिसमें एक इंसान जो था वो हर एक GMC में जहाँ जहाँ भी उसने पेपर दिया था हर GMC में उसको DV के लिए कॉल आई थी। ठीक है, तो ऐसे भी लिस्ट आ सकती है आपकी। और दूसरी लिस्ट ये भी हो सकती है कि क्योंकि प्रेफरेंस कम मेरिट में जो है ये डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने हैं, तो क्योंकि प्रेफरेंसेस भी जो हैं JKSSB ने मांग ली हैं ऑलरेडी, उनके पास प्रेफरेंसेस जो हैं वो लगभग चली गई हैं, 1.62 लाख स्टूडेंट हैं, उसी में से ही जो है प्रोविजनल लिस्ट बन जाएगी एंड उसी में से ही DV के लिए ही बच्चे बुलाए जाएंगे। सीरियस कैंडिडेट आई थिंक उसी में ही फॉल करते थे, तो ये भी हो सकता है कि मेरिट के हिसाब से जिनका भी मेरिट जहाँ भी बन रहा है UT लेवल की पोस्ट में जो है मेरिट जिसका बन रहा है उसको UT लेवल में एडजस्ट करके लिस्ट आए, या डिस्ट्रिक्ट लेवल में जिसका मेरिट बन रहा है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल में एडजस्ट करके पोस्ट आए। तो इस तरह की अगर पोस्ट आएगी तो इसमें एक इंसान जो है वो आपको एक ही लिस्ट में दिखेगा, यानी आपने अगर UT प्रेफरेंस दी है, जिन ने UT प्रेफरेंस दी है उनको UT की लेवल की जो पोस्ट होगी उसी में जो टॉपर रहेंगे उनको वहाँ एडजस्ट कर दिया जाएगा, और उनको बाकी लिस्ट में फिगर आउट नहीं किया जाएगा। फिर जो बाकी बच जाएंगे उनको जो सेकंड प्रेफरेंस उनकी रहेगी उस हिसाब से एडजस्ट करके, ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह से लिस्ट आए, प्रेफरेंस को लगाकर ही लिस्ट आए, क्योंकि काफ़ी टाइम जो है JKSSB ने रिजल्ट में ले लिया है, तो शायद प्रेफरेंसेस के बेस पर जो है लिस्ट मेरिट लिस्ट जो है वो अब जो प्रोविजनल लिस्ट है आपकी वो आए। तो सेकेंड लिस्ट ये भी हो सकती है कि आपको एक इंसान जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी में एक ही पर्टिकुलर लेवल की लिस्ट में देखने को मिले, जैसा कि उसने प्रेफरेंसेस वगैरह दी होंगी उसके हिसाब से। तो इस तरह से जो है दो जो हैं तरीके हैं जिस हिसाब से आप देख सकते हो कि या तो इस तरह से लिस्ट आएगी या तो इस तरह से लिस्ट आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो उसके बाद कट ऑफ जो है फाइनल अगर हम देखें तो मैंने वीडियो में भी बताया था एंड सेम ऐसा ही लगभग कट ऑफ बैठ रहा है। देखिए ओपन के लिए अगर आप देखोगे तो विदाउट एक्स्ट्रा मार्क्स, जिसके पास कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, मान लीजिए ये हम रिटन एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मार्क नहीं है अगर और ओपन में किसी ने 50 से 55 नंबर लाए हैं इस मेन एग्ज़ाम में, ठीक है, जिसके आए हैं डिडक्शंस के बाद अगर कम हुए हैं तो वो ज़रूर थोड़ा लॉस रहने वाला है। लेकिन मौजूदा दौर में मैं कहूँगा जिसके पास एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है और उसके 50 से 55 मार्क्स जो हैं इस एग्ज़ाम में आए हैं 100 में से, तो वो बिल्कुल अपने आप को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट में वो फिगर आउट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और उसको टॉप जो सीटें जहां पर आपको सिलेक्शन होनी है उन्हीं सीटों में उसको नाम देखने को मिलेगा। और अगर किसी के पास 5 मार्क एक्स्ट्रा हैं या एक्स्ट्रा मार्क्स किसी भी तरह से हैं, उसके अगर 45-50 मार्क्स भी इस एग्ज़ाम में हैं तो वो भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट के लिए आ जाएगा, क्योंकि उसके पास 5 मार्क्स एक्स्ट्रा भी रहेंगे जो कि उसको काफ़ी वेटेज देंगे। ठीक है, और रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो जितना भी कट ऑफ जो है ओपन का रहेगा फाइनल, उससे आप 5 से 10 नंबर यानी 5 से ज़्यादा 10 से कम इतना मेरिट और आप कम कर लीजिएगा। मान लीजिए कि 55 नंबर अगर ओपन का कैट कट जा रहा है, 55 अगर जाएगा तो आप देखेंगे कि 45 लेके 50 तक भी जो है वो रिजर्व में कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाएंगे विदाउट एक्स्ट्रा मार्क्स। और जिसके पास एक्स्ट्रा मार्क्स हैं तो वहाँ पर अगर 50 जो है वो कट जा रहा है तो आपको 40 से लेकर 45 तक भी जो है वो आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट्स देखने को मिल जाएंगे रिजर्व कैटेगरी में। ठीक है, और अगर ओपन का कट ऑफ 45 जा रहा है तो आपको 35-40 भी जो हैं मार्क्स जिनके हैं वो भी रिजर्व कैटेगरी में सिलेक्टेड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिल जाएगी, वैसे आपको लिस्ट जो है वो मिल ही जाएगी
जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी वहाँ पर सब कुछ आपको बताया जाएगा। लेकिन मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको सबसे पहले तो 10th क्लास का जो आपका मार्कशीट रहेगी और डिप्लोमा रहेगी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, 12th क्लास का जो मार्कशीट एंड डिप्लोमा जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, देन आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका रहना चाहिए, आपका रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट रहना चाहिए, आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ वगैरह जो है आपके पास होने चाहिए, और 10th और 12th अगर किसी की आउट ऑफ स्टेट हुई है तो उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रेडी रखने हैं फिलहाल, एंड इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई होगा तो वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट में उस टाइम बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो 4th क्लास के रिजल्ट को लेकर बच्चे पूछ रहे थे एंड मुझे आपको बताने थे, तो यही है आपका। और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, एंड बाकी रिजल्ट जो है वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा, उम्मीद यही है हमारी, एंड ऑल द बेस्ट जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। आई होप कि जिसने भी मेहनत की है उसका नाम जो है वो इस लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, और जो लोग मेहनत कर रहे थे उनको उस मेहनत का फल जो है वो अब जल्दी मिलने वाला है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।